Assalamualaikum, class 10. हम अभी पढ़ेंगे factorization, ठीक है ना? मैंने कल भी आपको पढ़ाया था factorization. एक चीज है आप लोगों ने क्लास नाइन पढ़ी थी. मैंने पहले बताया था फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? फर्स्ट टर्म क्या है? मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म, ठीक है? थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म, ठीक है? तो हमने फर्स्ट टर्म क्या है? वन. थर्ड टर्म क्या है? नाइन. हमने क्या किया? दोनों को मल्टीप्लाई. तो वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय नाइन, नाइन. अब हमने इन दोनों का फैक्टर क्या? गेट द सम ऑफ द फैक्टर्स. हमने क्या? नाइन का हमने टर्म निकाला. फैक्टर थ्री टाइम थ्री इज नाइन एंड थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स. नाउ लुक हियर, सिक्स द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू सेकंड टर्म. तो हमने इन दोनों को फैक्टर निकाला. हमने नाइन का थ्री टाइम थ्री नाइन आ गया, थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, ये इसके बराबर आ गया, ठीक है? नाउ वी विल स्टार्ट. नाउ लुक हियर, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी प्लस नाइन, तो ये हमारा क्वेश्चन है. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सिक्स इधर क्या लिखेंगे हम? माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री ए बी प्लस नाइन, ठीक है? जब एक जैसे साइन होगा तो आप आएंगे कि माइनस माइनस है, एक जैसे साइन है, लिहाजा दे आर आएंगे माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है? तो हमने क्या किया? ये एक पेयर बनाया, ये एक पेयर, दो पेयर बन गए. इसके बाद हमने इनमें से कॉमन निकाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और थ्री ए बी में ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी हमारा कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये हम निकाल दिया तो ए बी आ गया, माइनस ए बी कैंसिल, ये माइनस है हमने दिया. थ्री और नाइन में कॉमन क्या है? वो कौन सा नंबर है? तो थ्री को भी कैंसिल करे, नाइन को भी कैंसिल करे, वो आ गया थ्री, ठीक है? ये थ्री थ्री कैंसिल, ए बी बन गया थ्री, माइनस प्लस माइनस नाइन डिवाइडेड बाई थ्री ना थ्री, ठीक है? ये ए बी माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री ये आर सेम, ठीक है? इसमें जो हमने प्रोसीजर किया है ये हमारा सारा सही है. ए बी माइनस थ्री ना ए बी माइनस थ्री आर दे सेम, तो हमने क्या कर दिया? तो होल स्क्वायर ए बी माइनस थ्री होल स्क्वायर,